महेश्वर में बनने वाली माहेश्वरी साड़ियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम बात कर रहे हैं इस साड़ी को बनाने वाले माहेश्वर के एक बुनकर की। ये बुनकर है अजीज अंसारी, जिनका परिवार पिछली 6 पीढ़ियों से लगातार माहेश्वरी साड़ियां बना रहा है। यही नहीं, माहेश्वरी साड़ियों के अलावा मुगल शासन में जब यहाँ कपड़े बनाए जाते थे तब भी इनका परिवार यहाँ कपड़ों का निर्माण करता आया है। आपको बता दें कि अजीज अंसारी के यहाँ बनने वाली माहेश्वरी साड़ियां सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर नहीं बल्कि हैंडलूम पर हाथों द्वारा बनाई जाती है। साड़ियों पर विशेष प्रकार की नक्काशियां उकेरी जाती है और यही वजह है जो इन साड़ियों को सबसे अलग और खास बनाती है। अजीज अंसारी के दोनों बेटे अदनान और अनाज भी पढ़ाई के बाद साड़ियां बनाने में जुट चुके हैं। अंसारी के हैंडलूम पर बनने वाली साड़ी की डिमांड श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, सऊदी अरब, कुवैत सहित कई देशों में है। अंसारी बताते हैं कि उनके यहाँ बनने वाली माहेश्वरी साड़ियों में उच्च स्तरीय क्वालिटी का रॉ मटेरियल उपयोग होता है जो कोयम्बटूर, सूरत और बेंगलोर से मंगाया जाता है। वहीं साड़ियों में लगने वाला सिल्क भी सोने और चांदी के मिश्रण से बना होता है। महेश्वर स्थित किले के पत्थरों पर जो नक्काशियां उकेरी गई है उन्हीं नक्काशियों को अजीज अंसारी अपने यहाँ बनने वाली साड़ियों की बॉर्डर पर उकेरते हैं। बता दें कि अंसारी के यहाँ साड़ियों के अलावा पुशन कवर, पीलो कवर, जैकेट कपड़ा, कुर्ता कपड़ा, शूट कपड़ा और दुपट्टे भी बनाए जाते हैं। और मैं हैंडवील इंडिया के नाम से इनकी दुकान है। माहेश्वरी साड़ी लेने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके दुकान पर 2000 रुपये से साड़ी की कीमत शुरू होती है। हमारा तो ये पेतरक काम है और लास्ट 6 जनरेशन से हम कर रहे हैं इस काम को। ये मेरे बच्चे भी अभी इसी काम में इन्वॉल्वमेंट है। इनका एजुकेशन हो गया, इनका ग्रेजुएशन के बाद ये हैंडलूम में लगे अदनान है, अनस है, बाबा हैं, ये सभी इसी काम में इन्वॉल्व है। पूरी फैमिली हमारी इसी पे डिपेंड है। माहेश्वरी सभी प्रकार की साड़ियाँ बनती है और इसमें जो कलर वगैरह रहते हैं वो सारे पक्के कलर रहते हैं। इको फ्रेंडली देते हैं, उससे बॉडी पे कोई इफेक्ट देता है, सर्टिफाइड है जी। मुझे मध्य प्रदेश सरकार से 2008-09 का कबीर बुनकर अवार्ड मिला, फिर उसके बाद 2010 में भी कबीर बुनकर प्रथम पुरस्कार मिला है। नेपाल सरकार से सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है। श्रीलंका सरकार से भी पुरस्कार मिला है। मलेशिया से भी जो है सम्मान हुआ था। जिला कलेक्टर और जो है लोकल हमारे स्कूल में काम बेहतर करने पे वहाँ से भी मुझे सम्मान मिला है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये काम है। अपने घर का कामकाज निपटा के जो है यहाँ भी काम करती हैं सारी महिलाएं। और अगर कोई नई बहन माता जुड़ना चाहती है तो वो भी अपना इस कारोबार से जुड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसा सम्मान काम है ये, घर बैठे और कहीं बाहर जाना नहीं है और बहुत सेफ काम है ये। महेश्वर जो किला बना हुआ है उसमें जो डिजाइन है पत्थर पर नक्काशी के रूप में बनाई गई है, वही डिजाइनों को हमारे वहाँ बॉर्डर में बनाई जाती है। महेश्वरी साड़ी बेसिकली हैंडलूम पे ही बनती है और इसका जो मटेरियल होता है वो भी नेचुरल फाइबर होता है, सिल्क होता है और कॉटन होता है। और ये कॉटन कोयम्बटूर से आता है, साउथ से सिल्क जो है बेंगलोर से आता है और जरी लगती है इसमें जो सूरत से बुलाई जाती है। उसके अलावा पूरी तरह से ये मैन पावर से बनता है, मतलब इसमें किसी तरह से कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं लगता है, पूरी तरह से ये मैनुअल होता है और हैंडलूम पे बनता है बिल्कुल। वो हमसे हमारे इंस्टा पे और फेसबुक पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हैंडलूम इंडिया के नाम से हमारा ब्रांड है।